आजमगढ़ यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर फार्म बीएड बीपीएड जो भी कोर्स है आप कैसे फिल करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। पूरा वीडियो अवश्य देखें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस, इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, चूँकि ये नोटिफिकेशन नहीं गया है तो इसको शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है MSDSU, ठीक है। इतना लिख करके आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑफिशियल साइट पर आ जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो ये थ्री डॉट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो थ्री लाइन पर जब आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, तो इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। फिर ये देखिए, इसके बाद कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद फिर से आपको यहीं पर जो थ्री लाइन है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद फिल न्यू फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। एक बार आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद देखिए, ये जो निप वाला है वो आपका BA BSc BCom का है, उसके नीचे वाला जो है वो BED और BPED वाले छात्रों के लिए है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेकंड नंबर पर आप क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ पर एग्ज़ाम टाइप जो है इसको देखिए, और इसके बाद एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, तो देखिए यहाँ पर बैचलर इन एजुकेशन जो है आपका ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, ये मैं बीएड वालों के लिए बता रहा हूँ, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर आपको फिल करना है और रोल नंबर के बाद आप देख सकते हैं आपका एंट्रेंस, जो आपका एंट्रेंस में रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पर फिर देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स या अपने माताजी का नाम दे सकते हैं, और इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर देना है, और इसके बाद देखिए जो कैप्चा कोड रहेगा फिल कर देंगे। इसके बाद ऑप्शंस जो हैं आपका ओपन होगा और फिर आपको वहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह चुनने रहेंगे, तो जो भी चीज़ें हैं आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क करके अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म बीएड का फिल करना है, जो भी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं सभी छात्र, तो अपना फॉर्म अवश्य फिल कर लें और पूरा डिटेल सही से भरेंगे, क्योंकि अब आप लोग VBSPU से अलग हो गए हैं और आजमगढ़ यूनिवर्सिटी अलग हो गया है, ठीक है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए नया इन्फो चैनल साथ।